I'm Ajay Pal sir from Vekanam Senior Secondary School Bani. Now we start the next concept of class 6th subject science. संजीवों में उत्सर्जन. ओके तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि संजीव उद्दीपन करते हैं. उद्दीपन मैंने आपको बताया था, अगर एनवायरनमेंट के अंदर हमारे चारों तरफ वातावरण में कोई ऐसा परिवर्तन आए जिसको देखकर हमें अनुक्रिया करनी पड़े, कोई प्रतिक्रिया करनी पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते थे. ओके हम आज करेंगे संजीवों में उत्सर्जन. सभी संजीव भोजन करते हैं. जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता. आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है. ओके तो ये आपको पता है. भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? अब देखो, आप भोजन हर एक जिस भी जीव के अंदर जाना वो भोजन खाता है. ओके और भोजन के अंदर आप क्या करते हो? उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब कर लेते हो, वो खींच लेते हो, सोख लेते हो. तो जो बचा हुआ भोजन है उसका क्या होता है? ये वे इसी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं. तो इसको वो क्या करते हैं? अपशिष्ट. ओके मल के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं. विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं. ओके हमारे शरीर के अंदर कुछ पदार्थ ऐसे उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, जिनको शरीर से बाहर निकालना ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. संजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए प्रक्रम को सर्जन करते हैं. तो इस निष्कासन के लिए, इसको बाहर निकालने के प्रक्रम को, प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं. क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम को ढंग कुछ अलग है, बट उनका जो ढंग है मैथड है अलग है. पौधों में कुछ हानिकारक तत्व विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं. कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधों के लिए कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिसमें पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती. उन्हें बोलते हैं, कई पौधे क्या करते हैं, अपने वेस्ट पदार्थ को एक हिस्से के अंदर क्या करते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, वहां पे इकट्ठा करते रहते हैं. कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है और कईयों के अंदर वो लिक्विड के रूप में बाहर निकलते रहते हैं. उत्सर्जन संजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है. ओके तो संजीव जितने भी हैं वो क्या करते हैं? उत्सर्जन करते ही करते हैं. क्या सभी संजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा पक्षी के नीड़ घोंसले को देखा है? अब हमने यहाँ देखना है कि क्या सभी जीव प्रजनन भी करते हैं. ओके प्रजनन आपको पता ना, अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने को प्रजनन बोलते हैं. वे नीड में अंडे देते हैं. कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तो उसमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं. ओके तो अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं, आपको पता है. ओके पक्षी अंडे देते हैं जिसमें स्फुटन द्वारा नवजात उत्पन्न. देखो ये डायग्राम के अंदर अंडे से वह नवजात बच्चे पैदा हुए हैं. ओके जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं. भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है. कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं. कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं. ओके कुछ जंतु क्या करते हैं, सीधे शिशु को जन्म भी देते हैं. पौधे भी प्रजनन करते हैं. जंतुओं की तरह पौधों के भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं. पौधे, बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं. पौधे बीज उत्पादित करते हैं. हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं. ओके तो पौधों का प्रजनन होता है, पौधे बीज. देखो पौधे भी तो संजीव है ना, तो पौधे भी अपना प्रजनन करेंगे तो वो क्या करते हैं, बीज को उत्पन्न करते हैं. ओके कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपनी कायिक भागों द्वारा भी पौधे उत्पन्न करते हैं. कईयों के अंदर जैसे आलू है, आलू का एक भाग है ना, पौधा तो नहीं, बीज तो नहीं है ना, और आलू से नया आलू लग जाता है, तो इससे वो अपने भागों से भी प्रजनन कर सकते हैं. पौधे कलम द्वारा भी लगाए जाते हैं. क्या आप सव्य इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? ओके गुलाब तथा मेहंदी की दड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए. अब कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं? कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है. यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश न हो. यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए. संजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं.
विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं। तो हर एक प्रजनन, हर एक जानवर के अंदर प्रजनन की जो विधियां हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। क्या सभी संजीव गति करते हैं? अध्याय चार में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। ओके, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी अपनी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे में सोहित होते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति, किस जैसे अपने सूर्यमुखी का पौधा किया तो वो उद्दीपन के प्रति गति करता है। अब हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ जंतु उनके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति संजीवों के गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन इन सभी के कुछ लक्षण समान होते हैं। ओके, कुछ लक्षण एक समान होते हैं जिससे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु संजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है, जिनको जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। एक अकेला जीव प्रजनन के लिए बिना मर सकता है, परंतु संजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्य में प्रजनन होता है। ओके, तो अब आपने देखा कि प्रजनन भी होता है, जो कई जीव क्या करते हैं, गति भी करते हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ओके, हम ज़्यादा किया तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपने क्या करना है, जितना आपको करवाया उतना अच्छे से वो आपने पढ़ना है। आप गति के बारे में दोबारा कल नेक्स्ट बता दूंगा। ओके, तो आपने प्रजनन के बारे में हमने पढ़ा, और प्रजनन से पहले हमने क्या पढ़ा, उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन से पहले उद्दीपन के बारे में पढ़ा था, उद्दीपन से पहले हमने क्या पढ़ा था, श्वसन के बारे में, श्वसन से पहले हमने क्या पढ़ा था कि वृद्धि परिलक्षित होती है, हम ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ से पहले भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आपने ये सारे कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, अच्छे से रिवाइज करने। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप ये अच्छे से पढ़ोगे, अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर भी बनाओगे। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।